आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, प्रत्येक देशवासी ने अपने घर पर मुख्य समारोह रीवा के एसएफ मैदान में संपन्न हुआ। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने फहराया झंडा, ली परेड की सलामी। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, प्रत्येक देशवासी ने अपने घर पर मुख्य समारोह एसएफ मैदान में संपन्न हुआ। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने झंडा फहराया, ली परेड की सलामी। आजादी के अमृत महोत्सव पर रीवा के एसएफ मैदान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने झंडा फहराया, ली परेड की सलामी। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल की लड़कियों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यही नहीं, उल्लेखनीय कार्य करने वाले अलग अलग विभाग के लोगों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। माना जा सकता है जहां पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरी जगह आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा पर्व में हर व्यक्ति डूबा हुआ है। एक शानदार कार्यक्रम में तमाम तरीके की झलकियां नजर आईं। अनेकता में एकता वाली यही हमारी विशेषता है, यही हमारा भारत है, हम गर्व से कह सकते हैं। आज जहाँ तमाम तरीके के भेदभाव दूरियां मिट गईं, ठीक उसी तरीके से अगर हम आगे भी इसी चीज को अपना लें तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं एसएफ मैदान और दिखाते हैं वहां पर की कुछ झलकियां। शुभ का ये संदेश है।